ओम मां गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए आप सबसे फिर एक इम्पोर्टेंट वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे ना तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मित्रों देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, क्या थंबनेल मैंने यहाँ लिखा है। देखिए 15 मई से 14 जून, वैसे तो 14 मई से आप मानिए 14 जून से, लेकिन 15 मई को लगाता हूँ। 15 मई को सुबह जैसे सूर्य जो है 15 मई से आ जाएंगे, 14 जून तक रहेंगे कहाँ पर, वृषभ राशि में। 15 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ ग्रहों के राजा सूर्य। तो ग्रहों के राजा सूर्य और ये बृहस्पति 15 मई से 14 जून वृषभ राशि में रहेंगे। देखिए इनके साथ साथ देखिए यहाँ पर 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र यहाँ होंगे पहले, यहाँ से 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे। और देखिए बुध भी यहाँ से, बुध यहाँ बैठे हुए हैं, 10 मई को बुध यहाँ आए थे इधर से, और 31 मई को बुध यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए बुध का सूर्य का बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। और देखिए नेचुरल काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी शुक्र यहाँ रहेंगे, जिस समय 15 मई से 14 जून तक सूर्य जब यहाँ रहेंगे उस समय 19 मई को आएंगे दो चार दिन बाद, तो शुक्र भी यहाँ रहेंगे धन के भाग स्वामी। तो अभी देखिए मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये टाइम 15 मई से 14 जून तक हर राशि के लिए, मेष से लेकर देखिए मीन तक, किस किस के लिए बहुत जबरदस्त भाग्यशाली है, धन का योग बना रहा है। और देखिए सूर्य बुध यहाँ से बैठ करके अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर मेष राशि के लिए, यानी वृषभ राशि से। अभी मेष राशि की चर्चा करूँ अगर मैं, पहली राशि जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के लिए देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी ये जो राशि के लिए पहली राशि जो है यानी मेष यहाँ लिख दिया मैंने। देखिए मेष राशि के लिए ये वृषभ राशि धन भाव में रही, और धन भाव में देखिए बृहस्पति आ गए और सूर्य भी आ गए। बृहस्पति तो यहाँ 1 मई को आ जाएंगे, 1 मई से बृहस्पति तो रहेंगे, और यहाँ पर जो सूर्य भी जब आ जाएंगे 15 मई को, तो देखिए ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के यानी देव गुरु बृहस्पति कितना जबरदस्त धन भाव में, और शुक्र भी धन के मालिक। तो यहाँ पर बैठ करके देखिए शुक्र की और सूर्य बुद्ध की दृष्टि यहाँ अष्टम पर पड़ेगी, तो अष्टम पर देखिए अचानक धन का लाभ, धन भाव में बैठे हुए हैं अचानक देखिए आपको कोई ऐसी गूढ़ विद्या तंत्र मंत्र सिद्धि ज्योतिष आज सबसे विशेष लाभ मिले। लेकिन मेरा कहना अभी यही है, यहाँ पर बृहस्पति भी सूर्य के साथ हैं, तो बृहस्पति जब और बृहस्पति की दृष्टियाँ देखी होती हैं 5, 7, 9, तो यहाँ से बृहस्पति सूर्य के साथ, सूर्य की ताकत, बुध की ताकत, शुक्र की ताकत और गुरु, सबको देखिए गुरु है, तो यहाँ से गुरु की जो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से वृषभ राशि से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ दृष्टि पड़ेगी, 6, 7 यहाँ पड़ेगी, 8, 9 सबसे अच्छी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में जब बृहस्पति देखेंगे भाई, तो कार्य में तो आपको बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा, यानी नौकरी हो चाहे व्यापार हो, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, उसमें तो अच्छी तरक्की दिलवाएगी यहाँ पर देखिए मेष राशि को, नया जॉब, अच्छा जगह ट्रांसफर, वेतन वृद्धि, बॉस खुश, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, क्योंकि भाई बृहस्पति खुद आपको उच्च कोटि का लाभ पहुँचाएंगे, ऊंचा सम्मान दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएंगे, और सूर्य की तरह चमकेंगे आप, सूर्य की ताकत बृहस्पति को
राजा की सपोर्ट मिल रही है, युवराज की सपोर्ट मिल रही है, दैत्य गुरु की सपोर्ट मिल रही है। और ये सब सप्तम दशी से यहाँ देखेंगे चार 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 ग्रह जो ओवरलैपिंग टाइम होगा उस समय यहाँ देखेंगे अष्टम पर। तो मेष राशि के लिए तो वृषभ राशि यानी धन भाव में दूसरे भाव में बैठ करके बृहस्पति धन की बारिश, धन की बारिश समझ लीजिए, क्योंकि धन के मालिक भी है। यानी ये टाइम जो है मई जून का टाइम मेष राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये जो है ये चार ग्रहों का मतलब जमावड़ा हो रहा है धन भाव में, और दृष्टि भी यहाँ इस भाव में बृहस्पति की पड़ रही है नौकरी वाले में। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा योग है मेष राशि के लिए। अब देखिए वृषभ राशि का मतलब नंबर दो, ये राशि यहाँ आ जाए तो यहाँ से काउंट करते हैं हम, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ एक मानेंगे इसको। तो मैं वृषभ राशि के लिए देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच और छः सात आठ नौ, यानी यहाँ से गिनेंगे हम एक, ये तो हमने गिना मेष राशि के लिए यहाँ से एक। और वृषभ राशि जब आ जाएगी यहाँ पर तो वृषभ राशि के लिए देखिए ये जो योग बनता है कि ये यहाँ आ जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो भाई वृषभ राशि का तो पहले भाव में आ गई, अब तो वृषभ राशि के लिए तो भाई पांचवा सातवां नवा तीन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो संतान को सुख मिलेगा, संतान शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, और सप्तम में और नवे में यानी दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, और नाइन्थ में भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन जब हुआ तो देखिए भाग्य को आप उच्च कोट का भाग्य हो जाएगा, भाग्य में मतलब वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त। लग्न में आ गए जब वृषभ राशि यहाँ आ गए जब तो यहाँ से गिनने हैं हम एक, यहाँ से गिनने हैं हम तो एक दो तीन चार पाँच, यानी संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम प्रसंगों का भाव। और देखिए यहाँ से जो दृष्टि जब यहाँ आ जाएंगे ये चार ग्रह तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव यहाँ सामने, तो ये जो भाव है यानी सातवां भाव तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा पारिवारिक, और देखिए आपके जो पार्टनर्स का सहयोग अच्छा मिलेगा व्यापार में। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहा और वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है कि वृषभ राशि के लिए लग्न में चार चार ग्रह आ गए, और लग्न में आकर के जो है सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, यानी बृहस्पति को अपने राशि को अपने मतलब भाग्य भाग्य के स्वामी है ना काल पुरुष की कुंडली के, तो अपने भाग्य के नवे भाव को देखेंगे बृहस्पति। तो वृषभ राशि का भी बहुत अच्छा है। देखिए तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि नंबर तीन यहाँ आ गई, तो नंबर तीन जब आ गई तो ये चारों ग्रह यहाँ आ गए, तो आप बारहवें भाव में विदेश भाव में आ गए चार ग्रह यानी सूर्य बृहस्पति, और विदेश भाव में बृहस्पति होती है तो थोड़ा खर्चा तो कराएंगे, विदेश जाएंगे आप तो मिथुन राशि वालों, विदेश जाने में आपको व्यापार में विदेश नौकरी में सफलता तो मिलेगी लेकिन धन का खर्चा भी होगा। और यहाँ से देखिए दृष्टि जो है बृहस्पति की जो है एक दो तीन चार पाँच यहाँ पड़ेगी सुख साधन पर, तो सुख साधन की वृद्धि होगी, जिन चीज़ों से आपको सुख मिल सकता है वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब मिल जाएगा। और छः सात आठ नौ छठे भाव में और आठवें भाव में, तो यानी छठे भाव से आपको नई नौकरी में तरक्की, नौकरी में ट्रांसफर, और देखिए रोग रोने से मुक्ति मिलेगी, अचानक धन का लाभ मिल सकता है। तो मिथुन राशि के लिए भी अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए चार छः आठ भाव में दृष्टि बढ़ रही है। कर्क राशि के लिए देखिए कर्क राशि के लिए ये चारों ग्रह यहाँ आ गए ग्यारहवें भाव में, तो ग्यारहवें भाव को हम देखिए मानते हैं कि लाभ भाव में चार ग्रह सूर्य और बृहस्पति, ग्रहों के राजा, ग्रहों के देखिए गुरु, और देखिए बुद्ध सूर्य बुद्ध आदित्य राजयोग बना करके, और शुक्र भी धन के स्वामी यहाँ से लाभ, तो चार ग्रहों का योग यहाँ बन रहा है मई जून में किसके लिए कर्क राशि के, कर्क राशि नंबर चार राशि यहाँ होगी, जब ये राशि यहाँ होगी तो ये जो है नंबर दो चार तीन दो दो यहाँ होगी वृषभ राशि, तो यहाँ से देखिए पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो संतान को लाभ होगा, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान को एजुकेशन में परीक्षाओं में अच्छा,
और यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। सूर्य राजा की ताकत पाएगा देव गुरु यानी सप्तम को देखेंगे तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बढ़ाएंगे, व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी, जो निवेश करेंगे पैसा लगाएंगे सब में फायदा होगा, संतान को लाभ होगा। यहाँ से देखिए यहाँ से जो है यहाँ से पंच सप्तम दृष्टि पड़ रही है और 1 2 3 नहीं 4 जब यहाँ आ गई कर्क राशि यहाँ पर 4 3 2 तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। तो परिश्रम जितना पुरुषार्थ करेंगे आप उतना ही लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और देखिए सिंह राशि के लिए जब सिंह राशि पांचवी यहाँ होगी तो ये चारों ग्रह 10वें भाव में होंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर वृषभ राशि होगी। तो यहाँ वृषभ राशि होगी, चार ग्रह होंगे खासतौर से सूर्य बृहस्पति और शुक्र भी बुध भी आएंगे 19 मई को 31 मई को। यहाँ से चार ग्रह सम्मुख देखेंगे सब सुख भाव को तो सिंह राशि वालों के लिए सुख साधनों की वृद्धि होगी। मई जून का महीना सुख साधनों के लिए अच्छा बीतेगा, गाड़ी बंगला मकान सब जो चाहे ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी 1 2 3 4 5 धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, धन का आगमन होगा अच्छा खासा, अपने काम से आप धन पाएंगे अच्छा खासा, सरकार से धन पाएंगे। और 8 9 छठे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो नई नौकरी नया काम शत्रुघ्नता योग बीमारियों से छुट्टी मिलेगी। तो सिंह राशि के लिए भी जो है 10वें भाव से बहुत अच्छा योग बन रहा है। भाई कन्या राशि के लिए भाग्य भाव में चार ग्रह आ गए तो चार ग्रहों का योग मई जून में बन रहा है भाग्य भाव में, तो भाग्य वर्धन तो हो गई होगा, भाग्य वर्धन होगा। यहाँ से सप्तम राशि पड़ेगी तीसरे भाव में तो यात्राएं होंगी, यहाँ से भी यात्रा होगी, विदेश यात्रा होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। और यहाँ से बृहस्पति फिर 1 2 3 4 5 लग्न को देखेंगे, लग्न का शरीर आपका स्वस्थ बनाएंगे, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करेंगे। और 7 8 9 पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, नवम पंचम राजयोग बनेगा, पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम में संतान को लाभ मिलेगा, पंचम में प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, प्रेमी जो आपका चला गया था वो लौट के आ जाएगा और प्रेम विवाह हो सकता है। तो ये रहा भाई कन्या राशि के लिए। तुला राशि के लिए अष्टम में यानी यहाँ पर चार ग्रह आ गए, अष्टम में आ गए और 12वां 2रा और 4 में दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ विदेश भाव से पड़ेगी, विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से धन मिलेगा, विदेश यात्रा हो सकती है। और यहाँ से देखिए धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक धन का लाभ हो सकता है तुला राशि के लिए, उतना अच्छा तो नहीं है। और चौथे भाव पर देखिए दृष्टि पड़ेगी नवम बृहस्पति की तो सुख साधनों की वृद्धि होगी, बंगला गाड़ी मकान गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ा बड़ा मकान बंगला सब सुख साधन मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया भाई तो तुला राशि के लिए भी। और वृश्चिक राशि के लिए भाई मई जून यानी 15 मई से 14 जून तो बृहस्पति देखिए वृश्चिक राशि के लिए ये 7वें भाव में यहाँ सूर्य जो है बृहस्पति यहाँ आएंगे 7वें भाव में तो सूर्य और बृहस्पति सूर्य राजा है यहाँ से लग्न को देखेंगे, लग्न को देखेंगे जातक का शरीर अच्छा बनाएंगे, हृष्ट पुष्ट काया बनाएंगे और एक्टिविटी बढ़ाएंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे यहाँ से। और आपके पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा क्योंकि यहाँ वृश्चिक की और यहाँ से 11वें में और 1वें में दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 11वें में लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ तो मिलना ही मिलना है बृहस्पति का देखिए वृश्चिक राशि के लिए। और यहाँ पड़ेगी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो लग्न तो अच्छी है, लग्न का मतलब सही अच्छा है, व्यवहार बीमारी नहीं है, एक्टिविटी बढ़ी हुई है, धार्मिक प्रवृत्ति है। और यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो यात्राएं छोटी मोटी होंगी और शारीरिक बहुत श्रम करना पड़ेगा उससे लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए धनु राशि के लिए 6ठे में आ गए चार ग्रह यहाँ पर शत्रुघ्नता देखिए सूर्य है यहाँ से सूर्य आपके शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं है आपको और यहाँ से नई नौकरी मिल सकती है, नया काम मिल सकता है,
विदेश से लाभ मिल सकता है, विदेश भाव से रखी पैसा विदेश से पैसा मिल सकता है, अच्छा खासा लेकिन खर्चा भी होगा यहाँ से बृहस्पति बाहर में को रखेंगे तो धन की हानि भी कराएंगे। और यहाँ से देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच दसवें भाव को देखेंगे तो नौकरी में तरक्की होगी, जॉब में अच्छा नया जॉब मिल सकता है, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिल सकता है। और सात आठ नौ और धन भाव को देखेंगे बृहस्पति भाई तो धन तो आएगा ही आएगा, धन तो बराबर आएगा किसको, धनु राशि वालों को। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं और छठे भाव से धन भाव को देख रहे हैं नवी दृष्टि से तो धन तो आएगा ही आएगा भाई, धन मिलेगा बहुत जबरदस्त। चार चार गए तो चार चार गए यहाँ से बारहवें को देखेंगे और बृहस्पति धन भाव को देखेंगे। और भाई मकर राशि के लिए पंचम में आगे चार ग्रहों का योग बन गया पंचम में और यहाँ पर ग्यारहवें में चार ग्रह देखेंगे तो लाभ ही लाभ है, धन ही धन मिलेगा। और एक दो तीन चार पाँच भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, भाग्य वर्धन करेंगे, यात्रा होगी विदेश यात्रा हो सकती है, पिता का सहयोग मिल सकता है कार्य क्षेत्र में। और यहाँ से छः सात यहाँ दृष्टि पड़ेगी और लग्न में दृष्टि पड़ेगी यहाँ से तो लग्न में दृष्टि पड़ेगी तो लग्न का मतलब शरीर निरोगी काया स्वस्थ शरीर, धार्मिक प्रवृत्ति धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, बहुत बढ़िया मकर राशि वालों भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो टाइम है यानी 15 मई से 14 जून जब सूर्य वृषभ राशि में आएंगे जहाँ बृहस्पति ऑलरेडी बैठे होंगे और बुध भी आ जाएंगे शुक्र भी आ जाएंगे तो देखिए कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में होगा ये चार ग्रहों का योग यहाँ होगा। यहाँ से दसवें भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार होगा तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, पैसा आएगा, अनुष्ठान ले गए नए नए योग बनेंगे, नौकरी में तो तरक्की सम्मान मान सब मिलेगा भाई। चार ग्रह यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव, देखिए बृहस्पति एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ विदेश भाव को देख रहे हैं और यहाँ देखिए कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं बहुत जबरदस्त है भाई। ये तो बहुत बढ़िया है यानी किसके लिए, कुंभ राशि के लिए भी। और आखिरी राशि है देखिए मीन राशि, मीन राशि के लिए तीसरे भाव में चार ग्रह आ गए यानी पराक्रम, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पास पड़ोसियों का सम्मान मिलेगा। और यहाँ से देखिए भाग्य वर्धन करेंगे, चार चार ग्रह भाग्य देखेंगे तो मीन राशि का तो भाग्य बढ़ गया। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी देखिए यहाँ पर अपनी राशि पर भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन हो गया तो फिर तो कुछ कसर ही नहीं है, सब कुछ मिल गया। तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। और देखिए पाँच छः सात आठ नौ और लाभ भाव पर नवी दृष्टि पड़ेगी भाई वाह, तो लाभ भाव में बृहस्पति जब दिख रहे हैं यहाँ से तो लाभ ही लाभ मिल रहा है, देखिए नवम पंचम का योग बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये राशियाँ यानी 15 मई से 14 जून तक जो राशियाँ विशेष लाभ पा रही हैं देखिए वो उनमें देखिए एक तो मेष राशि, क्योंकि मेष राशि के लिए धन भाव में ये बन रहा था तो आप नोट कर लीजिए मेष राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है देखिए कर्क राशि के लिए लाभ भाव में हो रहा है, कर्क राशि के लिए दो मेष राशि या कर्क राशि दो, सिंह राशि के लिए कार्य क्षेत्र में दशम भाव में दो तीन, कन्या राशि के लिए भाग्य में चार और भाई वृश्चिक राशि के सातवें भाव में पाँच और मकर राशि के लिए पांचवें भाव में तो छः और मीन राशि के लिए तीसरे भाव में लेकिन दृष्टि पड़ रही है सातवें नवें ग्यारहवें वो व्यवस्थित तो छः सात सात राशियों को ये मैं समझता हूँ मई जून का टाइम मैंने लिखा 15 मई से 14 जून जब वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ सूर्य होंगे और बुध भी और शुक्र भी हो आ जाएंगे तो ये देखिए सात राशियों की किस्मत भाग्य चमकेगा, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा मित्रों। मित्रों अभी देखिए मैं फिर यहाँ आपको विराम देता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जाते जाते कमेंट में माँ गणेश आए नमन लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों मैं फिर देखिए आऊँगा तो कुछ और नई बात करूँगा।